अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ड्रामा के बारे में बात करेंगे, ठीक है जी। स्टडी ऑफ ड्रामा आज फर्स्ट लेक्चर है, तो चलिए आगे चल कर पढ़ते हैं क्या है ड्रामा, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ठीक है जी। अ कंपोजिट आर्ट, स्टडी ऑफ ड्रामा अ कंपोजिट आर्ट। ड्रामा इमिटेट्स लाइफ थ्रू स्पीच एंड एक्शन। ड्रामा लाइफ को किस चीज़ में इमिटेट करता है, स्पीच एंड एक्शन में। इट्स डिज़ाइन फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑन द स्टेज बाय एक्शंस, ठीक है जी। किस चीज़ के लिए डिज़ाइन किया जाता है, स्टेज के लिए बाय एक्शंस, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, नैरेटिव एंड डायलॉग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन व्हाट, इन ड्रामा। इन ड्रामा नैरेटिव एंड डायलॉग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। The structure of drama is also determined by stage directions. जिस तरह के स्टेज डायरेक्शन होते हैं उसी तरह ड्रामा को उसी तरह स्ट्रक्चर्ड किया जाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, ओरिजिन ऑफ ड्रामा इन इंग्लैंड, मिरेकल एंड मिस्ट्री प्लेज। इंग्लैंड ड्रामा हैड इट्स ओरिजिन इन रिलीजन। इंग्लैंड में जो ड्रामा था उसका ओरिजिन किस चीज़ में था, रिलीजन में था। अर्ली प्लेज वर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है जी। टू टाइप ऑफ प्लेस थे, ठीक है जी। अर्ली प्लेस जो थे वो कितने टाइप के थे, टू टाइप्स के थे। एक था मिस्ट्री प्ले, दूसरा था मिरेकल प्लेस। सो द मिस्ट्री प्लेस वर बेस्ड अपॉन सब्जेक्ट्स टेकन फ्रॉम बाइबल। मिस्ट्री प्लेस किस चीज़ पे बेस्ड थे, बाइबल के सब्जेक्ट से लिए जाते थे। और मिरेकल प्लेस जो थे वो किस चीज़ से डील करते थे, डीलिंग विद द लाइव्स ऑफ सेंट्स, सूफीज जो होते थे ना, सूफी उससे डील करते थे, उनके लाइफ से डील करते थे। क्या चीज़, मिरेकल प्लेस। अच्छा जी, रेनेसां द ट्रांसमिशन ऑफ इंग्लिश ड्रामा, रेनेसां ट्रांसमिशन ऑफ इंग्लिश ड्रामा। रिवाइवल ऑफ एंशियंट ग्रीक रोमन लिटरेचर एंड माइथोलॉजी ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी गेव अ ग्रेट एम्पिशियस टू इंग्लिश ड्रामा, ठीक है जी। देन पॉइंट इज, इंग्लिश ड्रामा इज़ द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा। एलिजबेथन एज जो है इट्स द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा, ठीक है जी। एंड प्लेस आर डिवाइडेड इंटू 5 एक्ट्स एंड अ नंबर ऑफ सीन्स, ट्रेजिडीज, कॉमेडीज, ट्रेजिक कॉमेडीज ऑफ हाइएस्ट ऑर्डर वर रिटन, ठीक है जी। जो प्लेस होता था वो कितने एक्ट्स में डिवाइड होते थे, प्लेस 5 एक्ट्स में, और देर वर नंबर ऑफ सीन्स। फिर ड्रामास जो है या प्लेस जो है वो ट्रेजिडीज़, कॉमेडीज़, ट्रेजिक कॉमेडीज़ में मुख्तलिफ हाईएस्ट ऑर्डर में वो लिखे जाते थे, ठीक है जी। वन ऑफ द हाई ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट क्रिस्टोफर मार्लो बिलोंग टू दिस एज, विच एज, एलिजबेथन एज। अच्छा जी, इसमें एक और राइटर भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, वो उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं, ठीक है जी। ड्रामा अ डिफ़िकल्ट एज। ड्रामा हैज़ प्लॉट, करेक्टर, डायलॉग एंड सेटिंग, ठीक है जी। ड्रामा क्यों एक डिफ़िकल्ट एज है, वो क्यों, क्योंकि इट हैज़ प्लॉट, करेक्टर, डायलॉग एंड सेटिंग। और उसकी क्या खसूसियत होनी चाहिए ड्रामा में, कि देयर मस्ट बी unity of time, place and action. There must be unity of time, place and action in a drama. ठीक है जी, that's it for today. Thank you so much for coming to my channel and listening to me. That's it for today. We'll join you soon in the next video. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.